स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मास्टर बजटिंग के चैप्टर के ऊपर है और ये चैप्टर ग्रेजुएशन लेवल पर और सर्टिफिकेशन लेवल के ऊपर मैनेजेरियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ाया जाता है। आज के पहले लेक्चर के अंदर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ बजट और मेथड्स ऑफ बजट क्या होता है, और ये जो चैप्टर है हम किस बुक से पढ़ने वाले हैं। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आइंदा आने वाली वीडियोस को भी आप देख सकें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई व्हाट इज बजट। बजट क्या है? आर रिटन एस्टिमेशन ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, अ बिजनेस यूनिट और एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बजट एक रिटन एस्टिमेशन है आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, या आप सिंपल अल्फाज में कहें कि बजट जो है वो एक डिटेल्ड प्लान है फॉर द फ्यूचर। ठीक है, और ये एक्सप्रेस किया जाता है फॉर्मल क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर। जिस तरीके से एक इंडिविजुअल बंदा है वो घर के अंदर भी अपने बजट्स वगैरह बनाता है, अपने घर में उसकी जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया और इसके अलावा बाकी, और उस इनकम से वो ये देखता है कि मेरे कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं और उससे उसकी कितनी सेविंग्स हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें करने से पहले वो एक बजट प्रिपेयर करता है। तो इसी तरीके से, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कंपनीज भी बजट्स इसी तरीके से बनाती हैं, लेकिन कंपनी है, कंपनी का एरिया थोड़ा बड़ा होता है, उसके अंदर डिटेल्ड वर्किंग होती है, तो ये पर्सनल बजट से थोड़ा सा ज्यादा फार एक्सीड होता है। ठीक है जी, और बजट के अंदर या बजट को बनाने के दो डिस्टिंक्ट पर्पसेस होते हैं। नंबर वन इज योर प्लानिंग एंड नंबर टू इज योर कंट्रोल। अच्छा, प्लानिंग क्यों? प्लानिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है कि आप गोल्स डेवलप करते हो और बजट बनाकर इन गोल्स को अचीव करने की आप कोशिश कर रहे होते हो। नंबर टू क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल में आप फीडबैक गैदर करते हो ताकि आप इंश्योर कर सको कि ये जो आपके प्लान्स हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, मॉडिफाइड किए जा रहे हैं वक्त के हिसाब से, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है उसी तरीके से आपके हालात, बिजनेस कंडीशन भी चेंज होती रहती हैं। तो जब आपकी गुड प्लानिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, तो इससे आपका ना टाइम वेस्ट होगा और ना ही आपकी एफर्ट वेस्ट होगी, और आप जब इफेक्टिव वर्किंग करेंगे, अच्छी बजटिंग करेंगे या अच्छा बजटिंग सिस्टम लेकर आएंगे तो आपकी प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों आपको फ़ायदा देंगी। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि भाई व्हाट इज़ बजटिंग। प्राइमरीली जो एक्टिविटी है ऑफ प्रिपेयरिंग बजट, बजट को प्रिपेयर करने की जो एक्टिविटी है, जो काम है, यानी कि जब हम बजट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इस काम को क्या कहा जाता है? बजटिंग कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास बजट्स के बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बजट्स की आपके पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि एनुअल ऑपरेटिंग बजट होता है, रोलिंग बजट्स होते हैं, परफॉर्मेंस बजट होता है, मास्टर बजट होता है, ऑपरेटिंग बजट होता है, प्रोग्राम बजट होता है, फाइनेंशियल बजट होता है। हम इन तमाम बजट्स की यहाँ पर बात करने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ, जो कि आपने पीछे चैप्टर का नाम देख भी लिया, मास्टर बजट, और उसका आगे ओवरव्यू भी देंगे आपको, हम सिर्फ और सिर्फ इन लेक्चर्स के अंदर मास्टर बजट के हवाले से ही पढ़ने वाले हैं। सो आगे चलते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ बजटिंग क्या होती हैं। ठीक है जी, यानी कि जब हम बजट बना रहे होते हैं तो उस वक्त कौन कौन सी बजटिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली जो टाइप है वो है ज़ीरो बेस बजटिंग। ज़ीरो बेस बजटिंग क्या होती है? ज़ीरो बेस बजटिंग
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉमनली यूज की जाती है। इसके अंदर आप करंट ईयर का यानी कि इस साल का बजट जो बनाते हो वो बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हो, और इसमें आप पिछले साल के बजट का डेटा बिल्कुल भी नहीं लेते हो। यानी कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर आपने सेकंड ईयर का बजट बनाना है तो फर्स्ट ईयर के बजट का डेटा आप बिल्कुल भी नहीं लेते हो, ठीक है ना। यानी कि हर फाइनेंशियल पीरियड का जो बजट है वो नए तरीके से बनाया जाएगा, उसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हर डिपार्टमेंट की उसको एलोकेट किया जाएगा, और हर उस डिपार्टमेंट का या प्रोजेक्ट का या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए वहाँ पर जस्टिफाई किए जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि ये जो मेथड है ना ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हर साल नए तरीके से बनाया जाएगा, इसीलिए इसका रिजल्ट भी जो होता है वो क्या होता है, एक्यूरेट होता है। इसके बाद सेकंड हमारे पास मेथड होता है या बजटिंग टेक्निक होती है ट्रेडिशनल बजटिंग। ट्रेडिशनल बजटिंग क्या होती है, ट्रेडिशनल बजटिंग में हम लोग इस मेथड के अंदर हम बेस ईयर जो है वो कंसिडर करते हैं। बेस ईयर से मुराद क्या कि जैसे मैंने बोला कि आपने सेकंड ईयर का बजट बनाना है तो उसमें फर्स्ट ईयर का डेटा आप लाजमी तौर पर लेते हो, यानी कि सेकंड ईयर के लिए फर्स्ट ईयर के बजट को आप बेस बनाकर चल रहे होते हो। यानी कि आप पिछले बजट को देखोगे, उसके एक्सपेंसेस को देखोगे, उसके रेवेन्यूज को देखोगे, इन्फ्लेशन रेट को देखोगे पिछले साल के, कंज्यूमर की डिमांड को देखोगे, मार्केट की सिचुएशन को देखोगे, और उसको देखते हुए यानी उसको उसकी बेस बनाते हुए आप सेकंड ईयर के बजट को प्रिपेयर करोगे और देखोगे कि पिछले साल का रेवेन्यू और कॉस्ट कितनी थी, उसी हिसाब से आप अपने आइटम सेकंड ईयर के बजट के अंदर और जो भी नीड होगी उसको डिसाइड करोगे, ठीक है ना। ये जो टेक्निक है वो बहुत आसानी से बन जाती है और इम्प्लीमेंट भी हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास बजटिंग मेथड है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम है इंक्रीमेंटल बजटिंग। उसका नाम है इंक्रीमेंटल बजटिंग। अच्छा, इंक्रीमेंटल बजटिंग मेथड जो है वो एग्जीक्यूटिव प्रिपेयर करते हैं, और इस मेथड के अंदर भी ट्रेडिशनल बजटिंग मेथड की तरह पिछले साल के बजट को देखते हुए चेंजेस की जाती हैं। यानी कि सेकंड ईयर का बना रहे हो तो फर्स्ट ईयर का बजट भी देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो चेंजेस हैं, एडिशन है, रिडक्शन है, वो लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर के बजट के एक्सपेंसेस को देखते हुए की जाएंगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, इसमें आपको पिछले साल के बजट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, इस मेथड के अंदर। तो सिंपली ये लास्ट ईयर का अगर बोलें तो लास्ट ईयर के बजट को एडजस्ट किया जाता है, क्या देखते हुए, इन्फ्लेशन के फैक्टर को देखते हुए। ये क्विक और इजी मेथड है आपका बजट बनाने का। लास्ट हमारे पास जो मेथड है वो है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या है, इसमें आप जो बजट बनाते हो वो किस तरीके से बनाते हो, अपने आउटपुट, बजटेड टारगेट्स और एक्टिविटी को पहले डिसाइड करते हो, या दूसरे अल्फाज में ये कहूँ कि जो मैनेजमेंट है वो टॉप डाउन अप्रोच को यूज करती है, कि पहले वो तमाम एक्टिविटीज को डिफाइन करती है कि भाई क्या क्या काम करना है, कितने कॉस्ट ड्राइवर रिक्वायर्ड होंगे आपकी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, क्या आपका टारगेट है, क्या आपका आउटपुट है, इन तमाम चीजों को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद आपके बजट को प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। इसमें भी पहले वाले की तरह लास्ट ईयर के बजट को कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा, यानी कि सेकंड ईयर का बजट बनाना है तो फर्स्ट ईयर के बजट को नहीं देखा जाएगा, या उसके एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को नहीं देखा जाएगा। तो ये जो मेथड है लास्ट वाला एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, ये इन डेप्थ एनालिसिस है तमाम एक्टिविटीज का कि जितनी भी कॉस्ट इनकर हो रही है। तो इस मेथड के अंदर तमाम चीजें अलाइन होती हैं,
ठीक है, ताकि आपके बिजनेस गोल्स आसानी से अचीव हो सकें। और इस मेथड में आपको हेल्प होती है आपके बिजनेस की, कि आपके बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज करता है ये मेथड, और आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज करके बताता है। तो ये हमने यहाँ तक के बात की कि भाई बजट क्या होता है, बजट की क्या टाइप्स हैं, बजटिंग क्या होता है, और बजट के मेथड कौन कौन सी कंपनीज यूज करती हैं। अब बजटिंग के जो मेथड्स हैं वो सब आपको मतलब सेम रिजल्ट ही देते हैं, सब आपके के लिए बेनिफिशियल ही होते हैं, लेकिन फिर भी आप ये देख रहे होते हो कि किस मेथड से आपका ज़्यादा से ज़्यादा या फ़ायदा हो रहा है, कौन सा मेथड है जो कि आपके बिजनेस के ऊपर ज़्यादा सूट कर रहा है, तो आप उसको कंपेयर करते हो ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी बजटिंग टेक्निक आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो उसके लिए आप कुछ फैक्टर्स देख रहे होते हो, जैसा कि आपके बिजनेस का साइज क्या है, अच्छा एरिया ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कंपनी क्या है, बिजनेस का फोकस क्या है, किस चीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन कितना है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, कम्प्लेक्सिटी क्या है, अच्छा प्रोजेक्शंस के लिए आपके डेटा की अवेलेबिलिटी क्या है, इस तरीके की चीज़ों को आप देख रहे होते हो, और उसके बाद जाकर आप अपने बजटिंग टेक्निक को या मेथड को अप्लाई कर रहे होते हो। उसके बाद हम बात करेंगे, एक ओवरव्यू करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर मास्टर बजट ही बनाने वाले हैं और उसके अलावा किसी दूसरे बजट की बात हम नहीं करेंगे। तो जो हमारे पास मास्टर बजट है उसका आपके सामने ये चार्ट मौजूद है। ये तमाम जो बजट्स हैं ये हम क्वेश्चंस के थ्रू, मैं आपको आगे फ्लोइड में बताऊंगा अभी कि हम कौन सी बुक यूज़ करने वाले हैं, उस बुक के थ्रू हम अलग अलग बजट्स आपको बनाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं सेल बजट को, यानी कि हमने ये देखना होता है कि भाई हमने थ्रू आउट द ईयर कितनी प्रोडक्शन, अपना माल बेचना कितना है। अब जब हमने माल बेचना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए प्रोडक्शन होना लाजमी है। अब प्रोडक्शन करने के लिए जाहिर सी बात है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी होंगे, और प्रोडक्शन के लिए हमें डायरेक्ट मटेरियल भी चाहिए और डायरेक्ट लेबर भी चाहिए। इन तीनों को ऐड करने के बाद ही तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनेगी, यानी कि प्रोडक्शन के लिए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर और ये डायरेक्ट मटेरियल चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जब हम ऐड करते हैं, कॉस्ट के स्टूडेंट अच्छे तरीके से जानते हैं, इसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, और डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो ये कन्वर्जन कॉस्ट है, और तीनों को ऐड करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए यानी कि इसका रिलेशन इन तीनों से, ठीक है जी। अब सेल कर रहे हैं तो सेलिंग के लिए आपके सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कौन कौन से इनकर्ड होंगे उसका भी बजट बनाया जाएगा, और फिर आपके पास एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का भी बजट बनाया जाएगा कि भाई आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है जो बची हुई है। जैसे कि आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हैं कि जब आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री बच जाती है और कम इन्वेंट्री ज़्यादा में बिक जाती है तो उससे आपका रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज होता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कम होती है, आपकी सेल ज़्यादा हो रही होती है तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंडिंग इन्वेंट्री होती है वो उसकी कोई नेचर नहीं है, वो अपनी नेचर डिसाइड करती है इसके साथ जुड़कर, किसके साथ जुड़कर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल के साथ जुड़कर। अगर आपके पास कुछ नहीं बचा, 4 लाख की आपके पास इन्वेंट्री थी वो बिक गई 5 लाख में, ठीक है जी, तो आपके पास 1 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन आपकी 350 की इन्वेंट्री बिकी है, 50 की बच गई, ठीक है जी, और आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 रुपये से कम हो गई तो आपका रेवेन्यू 50,000 रुपये से बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो इसका बजट बनाना भी आपके लिए लाजमी होता है। तो फिर इन सब बजट्स का जो रिजल्ट है वो फाइनली कहाँ पर जाता है, इन सब का इफेक्ट कहाँ पर जाता है, कैश बजट, यानी कि आपको कैश बजट भी बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए कितना कितना पैसा आपको रिक्वायर्ड है, कितना आपके इनफ्लोज होंगे, कितने आपके आउटफ्लोज होंगे। फिर इन तमाम चीज़ों का डेटा आपके पास आपकी बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर पड़ेगा, यानी कि आपकी इनकम स्टेटमेंट होगी, आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी और फिर आपकी बैलेंस शीट भी बनाई जाएगी।
तो इन तमाम चीज़ों को हम अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर आपको पहले करके बताएंगे, फिर हम ऐसे क्वेश्चंस को भी लेंगे जिसके अंदर जैसा कि पहले सेल बजट बना लिया, फिर प्रोडक्शन बना लिया, फिर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि एक ही क्वेश्चन में तीन चार बजट एक साथ बना रहे हैं, कहीं मटेरियल का, लेबर का, मैन्युफैक्चरिंग का अलग बन रहा है, सेलिंग का अलग बन रहा है, कैश का अलग बन रहा है, कैश के साथ इन सब का बन रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करके आपको बताएंगे। तो ये था हमारा ओवर व्यू कि हमारा बेसिकली मास्टर बजट होता क्या है। तो इसके बाद जो बुक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आइंदा आने वाले लेक्चर में, उस बुक का नाम है मैनेजेरियल अकाउंटिंग, एडिशन है 15, ऑथर हैं इसके गैरिसन, नोरीन और ब्रीवर। ठीक है, नॉर्मली इसको गैरिसन की बुक कहा जाता है कि भाई गैरिसन की मैनेजेरियल अकाउंटिंग की बुक। तो 15th एडिशन हम यूज़ करेंगे, इसके अलावा इसका 16th एडिशन भी आ चुका है, लेकिन हम इसका 15th एडिशन यूज़ करेंगे और इसी के अंदर से मुख्तलिफ मुख्तलिफ क्वेश्चन करके आपको बताएंगे और देखेंगे कि भाई हमारे बजट्स किस तरीके से प्रिपेयर होंगे। डेटा हमें दे दिया जाएगा, बहुत सारे डेटा हमारे पास गिवेन होंगे। अच्छा, ये बजट सिर्फ और सिर्फ हम मैनेजेरियल अकाउंटिंग के लिए नहीं पढ़ते, फाइनेंस के स्टूडेंट्स जब अपने फाइनल ईयर के अंदर प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी अपनी प्रोडक्ट के लिए बजट्स प्रिपेयर करते हैं। वहाँ पर तो कुछ चीज़ों का डेटा खुद लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं एज अ मैनेजेरियल अकाउंटिंग, यहाँ पर हमारे पास तमाम डेटा मौजूद होगा और उससे हम बजट प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझ में आया होगा। आइंदा आने वाले लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके अलावा आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको इस लेक्चर में क्या चीज़ पसंद आई, और आइंदा आने वाले लेक्चर के लिए भी आप सजेशन दे सकते हैं कि मैं किन चीज़ों के ऊपर लेक्चर बनाऊं जिसमें आप कोई चीज़ समझना चाहते हों।